दोस्तों अगर आपके अंदर गेमिंग का कीड़ा है, गेम ज्यादा खेलते हो या स्मार्टफोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, स्मार्टफोन छोड़ के उठते हो नहीं और आपका बजट बहुत ही कम है, इस पूरा के पूरा डिटेल्स एक ही स्मार्टफोन है दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन कौन सा स्मार्टफोन है। आपका थंबनेल देख के तो पूरा पता चल गई होगा, तो इसमें बताएंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जैसे कि आप स्मार्टफोन खरीदोगे आपको हेल्प होगा, तो पूरा डिटेल्स बताएंगे क्या है क्या नहीं है स्मार्टफोन में दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, ये 10,000 में इतना अच्छा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा, वो भी गेमिंग सपोर्ट हुआ और डिस्प्ले इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों, 10,000 में आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले दोस्तों इसमें 6.67 इंच का पंचुअल डिस्प्ले आपको मिलेगा, जहां पे ऊपर में छोटा एक सा कैमरा है और साइड में दोस्तों इसका जो डिस्प्ले लुक बहुत जबरदस्त दे रहा है। और इसका जो बैक में दोस्तों मैट फिनिशिंग में दोस्तों आपको एक्स मार्क का दोस्तों एक टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, लुक भी बहुत ही अच्छा दे रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों लुक में कोई कसर नहीं छोड़ा इस कंपनी ने। और दोस्तों मैं बताऊंगा क्यों एक गेमिंग जो गेमर्स है तो उन लोगों के लिए भाई अंडर में जो बजट है 10,000 में, 10,000 में इससे बड़े स्मार्टफोन क्यों नहीं है आपको बताऊंगा। कि दोस्तों इसमें हेलियो G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिले, जहां पे 12 NM का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। जो दोस्तों गेमर्स है या स्मार्टफोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्टफोन गर्म हो जाता है वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको कैप्चर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें कुछ मतलब स्पीड भी कम नहीं होगा स्मार्टफोन का, जो स्पीड वगैरह हो जाता है कि गर्म होने के बाद इसका जो टच सैंपलिंग होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट वो नहीं होगा और इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो यही बात आपको बता दूं, गेमर्स से दोस्तों 10,000 में इस स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5,000 mAh का बैटरी सपोर्ट आपको मिल जाता है और चार्जिंग सपोर्ट थोड़ा कम दिया है, बट इस प्राइस में भाई बहुत है। 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है और 5,000 mAh का तो बैटरी सपोर्ट दे ही है, टाइप सी का सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लॉन्ग बैटरी इसलिए दिया है दोस्तों, इसमें जो गेमर्स है भाई ऑल टाइम तो गेम खेलते रहेगा, और जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन उन लोग के लिए भाई 5,000 mAh दिया है। लॉन्ग बैटरी लाइफ दोस्तों, एक बार चार्ज करो पूरा दिन इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, फिर भी चार्ज बच जाएगा, ठीक है यही बात है। और बताऊंगा दोस्तों इसमें जो कैमरा वगैरह है, कैमरा भाई बहुत ही अच्छा दिया। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी जो 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा अभी बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अभी लेके आ भी गए हैं और सिस्टम वगैरह वगैरह, जो दोस्तों इसका जो कैमरा होता है भाई बहुत ही अच्छा होता है, बट जो आईफोन का दोस्तों सोचो कि 12 मेगापिक्सल का 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है भाई, इन लोगों से कंपेयर करो तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बट इसलिए मैं आपको दोस्तों हमेशा बताता हूँ, नंबर पे मत जाओ कैमरा की, और इसमें क्वालिटी में जाओ। क्वालिटी में इसमें दोस्तों माइक्रोमैक्स इन1 में दोस्तों 48 मेगापिक्सल का कैमरा दोस्तों पीछे रियर कैमरा आपको मिलता है, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल ड्रॉप एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो आपको मिलता है। बट 48 मेगापिक्सल दोस्तों जो नाइट मोड है भाई बहुत ही अच्छा है, जो आप लुक देख रहे हो दोस्तों नाइट मोड में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और इसमें जो कैमरा फोटो जो कैप्चर करेगा दोस्तों फोटो कैप्चर भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही दोस्तों इसी तरह फ्रंट कैमरा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है, इसमें भी नाइट मोड दिया गया है, इसमें भी नाइट मोड में बहुत ही अच्छा सेल्फी आप खींच सकते हो और वीडियो शूट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो भाई इस कंपनी ने बताया कि भाई कैमरा में बहुत ही अच्छा है, इस प्राइस पे और अच्छा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है इतना आपको बताता हूँ। और इसमें 3 कार्ड स्लॉट आपको मिलता है, 2 SIM लगा सकते हो और 1 मेमोरी कार्ड भी एक्स्ट्रा लगा सकते हो 256 GB तक, और एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक सिम लगाओ एक मेमोरी कार्ड लगाओ और जगह नहीं फिर खोलो फिर लगाओ, ऐसा नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों एक साथ अटैच दे दिया, अब इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 4G नेटवर्क में आया, 5G नहीं है, 4G नेटवर्क में आया, और एंड्रॉयड 10 सपोर्ट के साथ दिया है, अच्छा दिया है, एंड्रॉयड 11 बहुत जल्दी आ जाएगा इस स्मार्टफोन में, और ये थोड़ा वीक पॉइंट है, एंड्रॉयड 11 दे देता तो अच्छा होता, एंड्रॉयड 10 दिया है, चलो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों फिंगरप्रिंट्स की बात करें, रियर माउंटेन फिंगरप्रिंट्स आपको मिलता है दोस्तों, स्ट्रक्चर के बीचों में दोस्तों यहाँ पे रियर माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है, और फोन में दोस्तों वो फेस आईडी तो मिल ही जाता है, और बहुत फास्ट वर्क करता है दोस्तों और अच्छा भी है। और कलर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 2 कलर में आपको मिलता है, पर्पल कलर और एक ब्लू कलर में आपको मिलता है, पर्पल कलर बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर आप खरीदोगे दोस्तों पर्पल कलर ही खरीदिए, वो देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, और ब्लू भी अच्छा है, ब्लू अच्छा नहीं ये बात नहीं है, पर्पल कलर लुक भी जबरदस्त है, इसके बारे में आपको कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं बताऊँ दोस्तों इसका जो फास्ट सेल है 26
मार्च को आपको फ्लिपकार्ट में 12 बजे सेल्स चलेगा। और इस प्राइस की बात करें दोस्तों, दो बेल्ट में आपको मिलता है 6GB 64GB में और 6GB 128GB में आपको मिलता है। 6GB 64GB में दोस्तों 10,499 में आपको मिलता है और इसी में 6GB 128GB में आपको दोस्तों 11,999 में मिलता है। अगर आपको प्राइस में मतलब इसी चीज अगर आप सेल्स में खरीदोगे 26 मार्च को, तो आपको 4GB 64GB स्टोरेज में आपको 10,000 में मिलेगा, 4999 में मिलेगा, और 6GB 128GB में दोस्तों 11,500 में आपको मिलेगा। तो यही बात है दोस्तों, सोचो दोस्तों 11,500 में तो इतना अच्छा स्मार्टफोन आपको कहाँ मिलेगा। और मेड इन इंडिया ही है दोस्तों, इंडिया में मैन्युफैक्चर सब कुछ इंडिया में ही हुआ है। अगर अगर इंडिया में हुआ, अगर बाहर भी हुआ, दूसरे जगह भी हुआ, तो चाइना छोड़ के, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप खरीद सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्योंकि इतना सारा कुछ दिया है इस स्मार्टफोन में, तो और क्या चाहिए दोस्तों। गेमिंग सपोर्ट के लिए आप गेमर्स तो आप आराम से खेल सकते हो दोस्त। ROG 5 उसका तो प्राइस दोस्तों 50,000 है, वो तो भाई वो अलग लेवल का है, बट कम प्राइस में दोस्तों बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। इसके बारे में और बताओ दोस्तों, वीक पॉइंट जो है एंड्रॉइड 10 दिया है, एंड्रॉइड 11 बहुत जल्दी आ जाएगा, यही बात है। और नहीं तो ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले, बैटरी, इसका प्रोसेसर, कैमरा वगैरह, तो सारा कुछ बहुत ही अच्छा दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या रहा है दोस्तों, अगर आप खरीदोगे ऐसे सोचो, तो इस वीडियो देख के आपको नॉलेज मिल गया होगा क्या है क्या नहीं स्मार्टफोन में। तो अगर आपको कुछ जानकारी सही लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलिए दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।